नमस्कार जयतु भारत जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है आज के अंक में बॉल पॉइंट पेंस की रिफिल पर जीएसटी का क्या रेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के फर्स्ट शेड्यूल के चैप्टर 96 के हेडिंग 9608 में बॉल पॉइंट पेन्स फेल्ट टिप्ड एंड अधर पोरस टिप्ड पेन्स एंड मार्कर्स, फाउंटेन पेन्स स्टाइलोग्राफ पेन्स एंड अधर पेन्स डुप्लीकेटिंग स्टाइलोस प्रोपेलिंग और स्लाइडिंग पेंसिल्स पेन होल्डर्स पेंसिल होल्डर्स एंड सिमिलर होल्डर्स पार्ट्स इंक्लूडिंग कैप्स एंड क्लिप्स ऑफ द फॉरगोइंग आर्टिकल्स अदर देन दोज ऑफ हेडिंग 9609 आता है चैप्टर सब हेडिंग 960810 बॉल पॉइंट पेन को कवर करता है 96082000 में फेल टिप्ड एंड अदर पोरस टिप्ड पेन एंड मार्कर्स आते हैं 960830 के अंदर फाउंटेन पेन्स टाइलोग्राफ पेन्स एंड अदर पेन्स आती है इसी प्रकार अन्य चीजें भी दी हुई है जो चैप्टर सब हेडिंग 9608 सिक्स जीरो है उसमें रिफिल्स फॉर बॉल पॉइंट पेंट कंप्राइजिंग द बॉल पॉइंट एंड इंक रिजर्व ऑयल वो आता है निब जो है वो भी इसी तरह से नाइन सिक्स जीरो एट नाइन वन के अंदर क्लासीफाई होती है अब जो जीएसटी का रेट नक्की किया गया है वह जीएसटी के नोटिफिकेशन वन ऑब्लिक टू सेंट्रल टैक्स रेट के द्वारा नक्की किया गया है और ऐसा ही नोटिफिकेशन स्टेट जीएसटी एक्ट के अंदर भी इश्यू किया गया है इस नोटिफिकेशन के शेड्यूल टू की एंट्री नंबर 232 के अंदर पेंस अदर देन फाउंटेन पेंस स्टाइलोग्राफ पेंस वो दर्शाया गया है अर्थात फाउंटेन पेन और स्टाइलोग्राफ पेंस के अलावा की जितनी भी पेंस है उस पर 6% प्लस 6% 12% जीएसटी ड्यूटी लगेगी शेड्यूल थ्री की एंट्री नंबर फोर फोर सेवन में फाउंटेन पेन्स स्टाइलोग्राफ पेन्स यह दर्शाया गया है अर्थात फाउंटेन पेन्स और स्टाइलोग्राफ पेन्स पर 9% परसेंट प्लस नाइन परसेंट एटीन परसेंट ड्यूटी लगेगी उसमें जो एंड अदर्स अदर पेन्स जो लिखा हुआ था वो कोरिजेंडम से हटा दिया गया है शेड्यूल थ्री की एंट्री नंबर 453 में किसी भी चैप्टर की वो वस्तुएं जो इस नोटिफिकेशन के शेड्यूल वन टू फोर फाइव और सिक्स में नहीं आती वो चैप्टर फोर फिफ्टी थ्री में आकर एटीन परसेंट उस पर जीएसटी लगता है अब फिर से हम नाइन सिक्स जीरो एट की एंट्रिया देखेंगे तो सभी प्रकार की जो पेन फाउंटेन पेन और स्टाइलोग्राफ पेन को छोड़ के वो शेड्यूल टू में आती है बारह के हिसाब से और जो फाउंटेन पेन और स्टाइलोग्राफ पेन है वो स्पेसिफिकली शेड्यूल थ्री के एंट्री नंबर फोर फोर सेवन में लिखा हुआ है लेकिन रिफिल फॉर बॉल पॉइंट पेन्सराइजिंग इनके बारे में किसी भी एंट्री में कोई जिक्र नहीं है इसलिए वह शेड्यूल थ्री की एंट्री नंबर 453 में जो रेसिड्यूअल एंट्री है उसमें जाकर उसका 18 परसेंट रेट भरने का आ सकता है अभी दमन कमिश्नरेट ने कुछ पेन उत्पादकों के वहां इन्वेस्टिगेशन किया तो यह पाया कि यह उत्पादक पेन के ऊपर सही प्रकार से 12% प्रतिशत ड्यूटी भर रहे हैं लेकिन जो बॉल पॉइंट पेन के रिफिल हैं उन पर भी वे 12% परसेंट के दर से ही जीएसटी भर रहे हैं जो कि जीएसटी का नोटिफिकेशन नंबर वन ओब्लिक टू थाउजेंड सेंट्रल टैक्स रेट के अनुसार सही नहीं है इसीलिए जो भी वस्तुएं बनाते हैं उसका सप्लाई करते हैं उसके बारे में जीएसटी का सही रेट क्या है यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है जिस प्रकार से रिफिल के बारे में एक विवाद उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार से पेन की निब्स और निब पॉइंट्स के बारे में भी विवाद हो सकता है सही तरीके से क्लासिफिकेशन और जीएसटी का रेट जानने के लिए अपने विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं या एडवांस रूलिंग डिपार्टमेंट में से ले सकते हैं क्योंकि हर बार हमारी किस्मत इनके जैसी नहीं हो सकती आज के अंक में बस इतना ही धन्यवाद प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं जय हिंद